टाइम आ चुका है इस घर से विदाई लेने का और अपने असली घर में जाने का। और मेन रीजन जिसकी वजह से इस वाले घर में थे ना, वो ये था। और घर पे शिफ्ट होने का जो एक और रीजन है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, मेरे ख्याल से 15 दिन में पता चल जाएगा, है ना उनका 15 दिन में कोई न्यूज है। न्यूज क्या है? गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, सुबह उठने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि ओमकार रंधावा ने रात को मेरे लिए स्पेशल बनाई थी रेड टी, जो कि मैं पीना भूल गई क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। और अभी फटाफट उठते हैं, तैयार होते हैं और आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये चीज़ हमने आप सबके साथ शेयर नहीं की थी, बिकॉज़ हम चाहते थे कि ये रहे आप सबके लिए सरप्राइज। तो पहले दिन की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आपको बताते हैं कि वो चीज़ एग्जैक्टली है क्या। ओमकार, उठ जाओ ओमकार, आज कितने सारे काम पड़े हैं करने को। गुड मॉर्निंग। और इधर अभी पूजा आ गई हुई है तो मैंने सोचा कि कपड़े बहुत सारे पड़े धोने के लिए, तो वो वाला प्रोजेक्ट भी शुरू कर देते हैं। ये रहा पूजा ब्रश। अभी मैंने और ओमकार ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम अगर जिम जाएंगे तो नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके आएंगे। नहीं, फ्रेश तो हो चुके हैं, मतलब बिना नहाए जाएंगे और वहां से ला के आएंगे। घर का पानी बचाएंगे। और पिछली बार भी ना मैं सारा सामान अपने साथ लेके गई थी ये सोच के कि मैं वहां से नहा धो के वापिस आऊंगी, और कलोली हो जाती है कि कभी मैं टॉवल ले जाना भूल जाती हूँ, कई बार मैं गार्मेंट्स ले जाना भूल जाती हूँ। उस चक्कर में ना मेरा 2-3 बार ये प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, बट इस बार सोचा नहीं। इस चीज़ का तो है ना अफसोस बना रही है, जो तू बचपन से अपना दिमाग लेके जाना भूल जाती है उसका क्या। ओमकार रंधावा जी जी टीवी। तो फाइनली ओमकार रंधावा जी ऐसे जो लग चुके हैं पौधों को पानी दे रहे। नहीं नहीं यार, ये वाला जो पौधा है ना, इसको मैं बार बार अंदर रख के गलती कर देता हूँ। ये वाला? हाँ, इसको जब भी मैं अंदर रखता हूँ इसके पत्ते जो है वो सूख जाते हैं। मैं सोच लिया अंदर करना ही नहीं है। ठीक है, इसको बाहर आउटडोर पक्का बाहर। चलो बाहर तो ठीक है, ओमकार हम लेट हो रहे हैं पता। चलो जी, चलो आज तुमने अपना सारा सामान वगैरह रख लिया? बस बैग ही नहीं है, मैं बिना कपड़ों के मुझे पूछ लो बैग लेके जा रहा हूँ। कपड़े लेके नहीं जा रहे? क्यों? जस्ट बिकॉज बैग नहीं है? मेरे से पूछ लो, इतने सारे बैग पड़े हुए हैं। ये लो, बैगों की कमी नहीं है, बहुत बैग है। ओमकार, लोगों को एक हिंट दूं। बाय टू दिस हाउस। मैंने लगाया हिसाब किताब, लड़कियों के कपड़े चाहे जितने मर्जी छोटे हो पर बैग का साइज हमेशा बड़ा होता है। और मेरे पूरा बड़े वाला बैग 3 के बराबर है इसका ये। पर ये चीज तो ओमकार की सच्ची अप्रिशिएट करने वाली है कि यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, बट ओमकार रंधावा जी हमेशा स्टेयर्स का इस्तेमाल करता है। वो भी कल लेग्स लगाने के बाद। लेग्स लगाने के बाद धोके हो चुकी हूँ मैं तैयार। और सच्ची बताऊँ, मैं कुछ ना कुछ तो लाना भूल ही जाती हूँ। मतलब आज मैं शूज लाना भूल गई, मतलब इस ड्रेस के साथ चप्पल वप्पल, अदरवाइज मैं पीछे में चप्पल लेके आई थी तो टॉवल लाना भूल गई थी, पर ये है कि एटलीस्ट मैं शूज इनके साथ पहन सकती हूँ। ओमकार का डे 2 विद वर्कआउट। गुड वर्कआउट। आज ना 2.5 साल के बाद जाके मैंने स्टीम ली है। 2.5 साल के बाद? कोरोना हो गया था ना, तो बीच में स्टीम वगैरह तो वैसे ही बंद हो गई थी जिम वगैरह। हाँ, वैसे ये तो है, मैंने स्टीम नहीं ली, मैं तो सिर्फ नहा के निकल गई। और भाई साहब, हवा इतनी बढ़िया चल रही है ना, और जो हवा के साथ जो लू चल रही है गर्मा गर्म, वो तो और भी मजेदार है। मतलब इस मौसम में मैंने एक चीज नोटिस किया, जैसे पापा का खरबूजे लेके आए थे, खरबूजा बोलते हैं खरबूजे लेके आए थे, इतने मीठे खरबूजे, स्टार्टिंग के बहुत मीठे होते, बहुत बढ़िया होते। मैं तो बोल रही आप भी खरीद के खा लो खरबूजे, बाद में फीके फीके आने बाद में थोड़ा टेस्ट खराब हो जाता है। पर ये खरबूजा मेरे को लगता है जब खत्म होगा तो आम आने शुरू हो जाएंगे। आम आने शुरू हो गए हुए हैं अभी भी। यार मैंने पता कुछ लोगों की स्टोरीज देखी इंस्टाग्राम पे, फर्स्ट मैंगो ऑफ दिस समर। आज खिला देते हैं तुझे? नहीं, मैं मीठे वाले ही खाऊंगी। थोड़ा इमरजेंसी में अभी मुझे जाना पड़ रहा है ऑफिस, तो ओमकार रंधावा जी मैं जा रही हूँ ऑफिस। तुमने अगर कुछ सामान वामान खरीदना है घर के, अगर लिए, नहीं मुझे खरीदना है, तो तुम जाओ और मुझे Perfect. काम करने दो। परफेक्ट, सी यू। कितने देर में आ जाओगे? काम करना, सबकी क्लास लेना, सबको डांटना, ताकि मेरे पे तू डांटे ना। वाह 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 वाह, टीचर ही समझ लिया तुमने मुझे। मतलब देख,
तेरे अंदर ना ये इनबिल्ट है, तुझे अपना कहीं ना कहीं भड़ास निकालनी होती है। जिम जिम जा चुकी हूँ, बस कुछ मैं बोलते रहता हूँ, शट अप शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या है, अच्छा बाय जाओ बाय, हो गया काम, मिल गया सामान तुम्हारा, चलो जी लेट्स गो होम एंड लोगों को बताएंगे कि वो कौन सी बात थी जो हमें आपको बतानी थी। कल ना मैंने सोचा था ब्रेकफास्ट बनाने का, जो कि हो नहीं पाया वो आज बनेगा। और यार मैं ये देख के हैरान हो रही हूँ कार कि जब हम बाहर रेडी से पूछते हैं वो बताते हैं, कहते हमारी खरीद 55 की है सब कुछ, उनको बताओ यहाँ से जाके ले लो 50 रुपए का आपको मिल जाएगा। ये चीज तो सच्ची मुझे समझ में नहीं आई, क्या हो रहा है, दुकान पे सस्ता है बाहर रेडी पे महंगा है। ये भी पता काट के देंगे यहाँ पे या नहीं? आई डोंट थिंक सो काट के देंगे, वही मुझे डाउट है कि काटेंगे या नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे, पूछ लेते हैं, काट पूछ के देख लो एक बार। कार मुझे दिखा पर्पल कलर, काश पूरी वी की वीडियो में मैं यहाँ जाती, बहुत ही ज्यादा पर्पल, पूरा पर्पल कलर है ये। ये ऐसा पर्पल कलर है कि देख के पता कह भी नहीं सकता, नहीं ये ब्लू का शेड है, ये ब्लैक का शेड है, एग्जैक्ट पर्पल। मैं आज बर्गर बनाने का सोच रहा हूँ, उसके अंदर ये डाल ले पत्ता गोभी। हाँ डाल लो, उनका नारियल काट के दोगे? कटिंग होगी परफेक्ट। जब हमें 50 रुपए का मतलब सस्ती चीज मिल रही है 10 रुपए, तो फिर यहाँ से आके पीना बेटर है ना। और जब भी हम नारियल लेते हैं हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, घर वालों के लिए भी ले लिया सब कुछ, और 10 नारियल लिए तो 100 रुपए बच जाते हैं। सही बात है। जिम से आते हुए बेड पे लेट चुकी हूँ और खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ओंकार कुछ बना रहे हो क्या? ओंकार क्या बना रहे हो? मेरे लिए भी बना देना। थैंक यू सो मच, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ओंकार टाइम बहुत ज्यादा हो गया यार, अब तक हमने मैंने पहली बात तो बताया नहीं है लोगों को। सो बेसिकली जो न्यूज थी वो ये है कि हम ये वाला घर छोड़ रहे हैं एंड वी आर शिफ्टिंग टू आर विच घर, स्टूडियो को छोड़ के घर जा रहे, स्टूडियो को छोड़ के घर जा रहे। तो अब स्टूडियो इज नो मोर घर। कंफ्यूजन हो रही है, तुम समझाओ। स्टूडियो को अलविदा अब से, सिर्फ काम के लिए यहाँ पे आया जाएगा, घर जो है वो ही घर है वहाँ पे। तो बेसिकली अब हम पूरी फैमिली एक साथ रहेगी, मम्मी पापा डैडी ओंकार और मैं। एक्चुअली ये चीज हमने पहले से प्लान की हुई थी कि शादी के कुछ टाइम हम रहेंगे यहाँ पे स्टूडियो में और उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे घर पे। और घर पे शिफ्ट होने का जो एक और रीजन है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, मेरे ख्याल से 15 दिन में पता चल जाएगा, है ना ओंकार? 15 दिन में कोई न्यूज है, न्यूज क्या है, काफी लोग कुछ अलग भी सोचेंगे, पर 15 दिन के बाद एक और चेंज आने वाला है हमारे घर में, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यूजली लोग ये सोचेंगे कोई आने वाला है। आज ना हमने डिसाइड किया था कि आज हम शिफ्टिंग करेंगे, डिसाइड किया था, नहीं डिसाइड किया है, सामान पैक करना शुरू करते हैं, बहुत लेट हो रहा है यार। ये ना सच्ची बताऊ, लड़कों के शिफ्टिंग करना ना मतलब बहुत इजी है तुम्हारे लिए, तुम सोच रहे हो इजी है, यहाँ से सामान लेके जाना इज अ वन टास्क, उधर सेटिंग करना इज अ दूसरा टास्क, क्योंकि तुमने खुद ने तो कोई सेटिंग करनी नहीं उधर जाके, वहाँ पे सेटिंग हुई हुई है, तो मेरा घर है वो, तुम्हारे कपड़े हैं उधर पड़े हुए। अच्छा मतलब सेटिंग की मुझे जरूरत है, तुम यहाँ से कोई कपड़े नहीं लेके जाओगे? थोड़े बहुत मुझे तो सारे लेके जाने पड़ेंगे, मतलब मैक्सिमम काम मेरा हो गया हुआ है ना, तो वीडियोस के लिए थोड़े कपड़े इधर घर पे भी रखने पड़ेंगे ना, जैसे वॉक के जाना है जिम जाना है तो उसके लिए भी तो घर से निकलेंगे ना कार से। तुम एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट का संभाल लो क्या बनाना है, मैं तब तक अपने सारे कपड़े जो पैक करने हैं वो पैक कर लेती हूँ। नहीं जो बनाऊंगा वो तो नहीं मैं खाऊंगी, अगर मुझे, तुम एक काम करो, तुम अपने लिए बर्गर बना रहे हो ना, तुम एक काम करो मेरे लिए ना ऑमलेट बना दो, ऑमलेट को मैं बर्गर में डाल के खा लूंगी, ठीक है परफेक्ट। चलो तो यहाँ रखते हैं अपना बैग। अगर सर्दियों के कपड़े लेके जाते ना तो काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था, पर ये कि गर्मियों के कपड़े और गर्मियों के कपड़ों के कलेक्शन मेरे पास इतनी है भी नहीं है, और मैंने भी वैसे गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग अभी करनी है और वो पता नहीं कब टाइम निकलेगा, क्योंकि मम्मी ने भी शॉपिंग करनी है, मैंने भी शॉपिंग करनी है, बस हमारे पास टाइम ही नहीं निकल पा रहा शॉपिंग करने का।
और मैंने ना अपने सारे के सारे सूट हैंगर समेत रख दिए। मैंने सोचा कि वहां जाके ना सूट सेट करने मेरे लिए इजी हो जाएगा, मुझे बस ऐसे हैंगर उठाना है और अपने सूट टांग देने। मैंने काफी टाइम से मलाई ना कलेक्ट कर करके रखी हुई थी इन दोनों डोंगों में, और अब मैंने सोचा कि इसमें से घी निकालते हैं। और सच्ची बताऊं मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मलाई कितनी पुरानी होनी चाहिए कि उसमें से घी निकल जाए। पूछा तेरे को पता? ये पता तेरे को नहीं पता? केवल में कोई काम कर रही होती है ना, मुझे लगता है पूजा में मेरी जैसी आधी चीजें उसको पता ही नहीं होती है। वाओ, लाइफ में पहली बार मैं घी निकालूंगी। तो ओंकार जो पत्तगोभी लेके आया था ना, उसने तो खतरनाक रंग छोड़ा है ना। ये था पत्तगोभी का रंग और इसने छोड़ दिया एकदम नीला रंग। ओह माय गॉड, देखो कौन आया है। हाय अजय, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा सूट लग रहा है, प्रॉपर एकदम समरी फील दे रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। अंचल शर्मा जी आई है स्पेशल मेरी हेल्प करा ले। थैंक यू अजय, खाने में कुछ नहीं बनाया अगर तुझे भूख लगी है। नहीं, मैं अपनी दोस्त को खाएंगी। अच्छा खा के आई है। मुझे आंचल को देख के ना बड़ा दुख हो रहा है। एक टाइम था जब आंचल के पास ऐसे हुआ करते थे, ऐसे उतर ही गया सारा कलर। उतर गया आंचल, इसका भी उतर रहा है आंचल, वो बालों पे लगा ले। कहाँ पे वो रंग इसका? ये पूजा ने संभाल के रखा हुआ है इसके। ये तेरे बालों पे लगाने के लिए इसको वॉश किया ना तो उसका कलर नीला निकल गया। पत्ता गोभी है? हाँ, प्याज है? नहीं नहीं, पत्ता गोभी है बे पागल। एंड मेरे प्यारे से पति, जैसे उनकार हर बार कहते मेरी प्यारी सी पत्नी ने मेरे लिए ये बनाया है। मैं सिर्फ कहता हूँ, पर मैं एक्चुअल में हूँ प्यारा। ओह प्यारी है लिए बस। दीदी कितनी प्यारी है हमारी। हाँ, तो मेरी साइड से ना सच तो बोल दे आज कैमरे के सामने, सच दीदी सबसे प्यारी। हाँ, वो अलग बात है। जिसने भी आंचल के चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, अनसब्सक्राइब कर दो वहाँ पे। कमेंट कौन सा कमेंट? ये वही वाला बच्चा है, ये वही बच्चा है जो स्कूल में एक दूसरे से लड़ाई नहीं कराते। वेरी बैड उनकार, बट थैंक यू फॉर दिस बर्गर। जरा है नहीं चीज और बननी है। अरे ये री टिक्की, मैं ज्वाइन करके भी बनाऊंगी, पजल सॉल्व करना भी मुझे। अरे कोई तुमने चिपका दिया ये, कोई बात, I'll manage it. तो आंचल ने ना काफी ज्यादा मेरी हेल्प करा दी हुई है, और अब एक बार चीजें देखते हैं। बेड साइड वाली चीजें, वो चीजें वो होती है जो बंदा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सोते वक्त उठा। ये देखो ये उठाती हूँ सबसे पहले, तो आजकल मेरा फिटनेस मूड ऑन है, तो फिश ऑयल मेटाबॉल्स ये सब तो मैं ले ही रही हूँ। हाँ दे दे। कपड़े वपड़े पैक करके मैंने बाहर रख लिए हुए हैं। ये रहे मेरे कपड़े, और इसमें मेरे पर्स वगैरह मेकअप वगैरह का सामान मैंने ले लिया हुआ है। और ना मैं अभी ये सोची थी कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, फिर मुझे याद आया गारमेंट्स डाले नहीं मैंने। मेजर चीज ना गारमेंट्स डाले, स्पोर्ट्स के कपड़े भी डाले किसी थैली में, वो उस कमरे में पड़े है ना सामान। ओ हील्स चप्पलें, सूट तो ऐसे रख लिए, पहनने किसके साथ है। और सुनने में कितना इजी लग रहा था कि बस हो जाए, पैक करके लेके जाना है। अरे यार लड़की को इतना सामान होता है ना सच्ची। और सारा का सारा सामान पैक करके मैंने रख दिया इधर। अब ओंकार तुम्हारी एक ही हेल्प चाहिए कि सारा सामान उठा के गाड़ी में रख दो। पीछे की सीटें सारी फुल, डिग्गी फुल। अच्छी बात ये है कि हमारे पास दो गाड़ी है। दो गाड़ी है, हाँ मैं भी कल यही सोच रही थी, मैं अच्छा दो गाड़ी है। हाँ। कि और सामान होगा डालते डालते मुझे चेते आया कि अगर बाई चांस मैं भी कपड़े लेके जा रहा होता। हाँ। तो कहाँ रखता पर ये कि उधर तुम्हारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, मेरे पास उधर कुछ भी नहीं है। दो चीजें जो मुझे इम्पोर्टेंट लेके जानी है ना, वो एक तो ये बोर्ड जिसके बिना मैं काम नहीं कर सकती शेड्यूल वगैरह बनाने के लिए, दूसरा मेरी केटल आ जाएगा फिर गाड़ी में। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया ना, नहीं आया तो फाइनली जाके बोर्ड आ चुका है पूरा गाड़ी में फिटो फिट। अब जो एक गाड़ी जिसमें बोर्ड वगैरह पड़ा है उसमें एक ही बंदा मतलब सिर्फ ड्राइवर ड्राइव करके जा सकता है। अच्छा ओंकार को तो पूरा ड्राइवर ही बना दिया हुआ, ये नहीं कि ओंकार वो गाड़ी में अकेला जाएगा, ड्राइवर ड्राइव करके जाएगा। बोल रही हूँ जो भारी है जो गाड़ी जिसमें सामान ज्यादा है वो मैं लेके जाऊंगी, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इतना भार उठा के नहीं जाना पड़ेगा। कंधे पे नहीं लेके जाना है गाड़ी, स्टीयरिंग चला। क्या यार मुक्ति, साथ ही जा रही मेरे घर? नहीं। अरे यार जब भारी मुझे दे तू लेके जा दूसरा, किसी में भी चली जाऊंगी मैं। अरे नहीं नहीं, नहीं। मैं वो वाली गाड़ी, मैं नई वाली गाड़ी चलाऊंगी। क्यों? मेरे को दूसरी पे हाथ नहीं बैठा हुआ। नहीं कोई बात तो चला के बिठाना पड़ेगा। अरे यार मैं तो जरा काम साथ कर रहा हूं, भारी सामान मैं लेके जा रहा हूं। नहीं मैं ले जाऊंगी। नहीं मैं मुझे मेहनत करने की आदत है।
टाइम आ चुका है इस घर से विदाई लेने का और अपने असली घर में जाने का। और मेन रीजन जिसकी वजह से इस वाले घर में थे ना, वो ये था कि मैं चाहता था मुक्ति के साथ ट्रेवल करना, घूमना फिरना करना, पर इतनी बोरिंग इंसान है ना, इतनी बोरिंग इंसान है ना, मतलब सच में एडवेंचरस तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा लाइफ पार्टनर इज बोरिंग, बहुत बोरिंग। अंचल शर्मा का प्रोग्राम कुछ और ही बना हुआ है। पहले मुझे लगा कि मेरे साथ ये घर जाएगी, बट अंचल अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हेल्प करा दे तूने मेरी। चल ठीक है अंचल, ओके बाय, एंजॉय।